अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन एक बहुत ही अहम मुद्दा है। मैं समझता हूँ मुमरा के अंदर अध्यक्ष महोदय, मुमरा कौसा में एमएम वैली स्कूल की एक इमारत है जिसमें 12 स्कूल चल रहे हैं और वहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पीने का पानी का बंदोबस्त ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, और अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट में दरवाजा ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, कैसे कोई बैठ सकता है? फर्श गंदा पड़ा है अध्यक्ष महोदय। उर्दू मीडियम के 5 हाई स्कूल जिसमें 4 स्कूल प्राइमरी सेक्शन की जगह चल रहे हैं, प्राइमरी सेक्शन है, बच्चों के बैठने की कोई जगह ही नहीं है। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि तुरंत इसका मुमरा में जितने स्कूल हैं इसका सबका सर्वे करेंगे कि आप सर्वे करके जितनी भी चीजें उसमें कम है उसको पूरा करेंगे का, और मुमरा में CBSE स्कूल चालू करेंगे क्या? दूसरा अध्यक्ष महोदय, मुमरा में 5 से 6 किलोमीटर की लंबाई के रोड पे सिर्फ 2 स्कूल है 5-6 किलोमीटर के अंदर में, और वहां बच्चे 4-4, 5-5 किलोमीटर से आते हैं, गरीब बच्चे हैं, और वो इतनी दूर होने के वजह स्कूल छोड़ रहे हैं। उन वो वहां जहां जहां स्कूल नहीं है नए स्कूल खोले जाए अध्यक्ष महोदय। एक भिवंडी निजामपुर महापालिका के अंदर मनपा की पीली स्कूल की इमारत 54 साल पहले बनाई गई थी जो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। 5 स्कूल चलते हैं उसके अंदर, बिल्डिंग की हालत बहुत ही खस्ता है और स्कूल बंद पड़े हैं अध्यक्ष महोदय। जल्द से जल्द उसको बनवाने का काम क्या करेंगे क्या? और एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था मैं सर्वे करके बताऊंगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जल्द से जल्द नई इमारत बना करके उस स्कूल को चालू करेंगे क्या? नई इमारत बनाएंगे क्या और कितने दिनों में बनाएंगे, यह अध्ययन मैं मंत्री महोदय से सुनना चाहता हूँ। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ठाणे शाळेच्या बाबतीतला मुंबईचा जो विषय त्या संदर्भात देखील आज सकाळी सन्मान्य सदस्य प्रताप सरनाईक साहेबांनी काही गोष्टी निदर्शनाला आणून दिलेले आहेत। त्याच्यामध्ये पूर्वीच्या शाळांची जी कामं चालू आहेत त्याच्यामध्ये 3 शाळा ह्या मुंबईतल्या आहेत, आणि आज सकाळी जी सन्मान्य सदस्यांनी मागणी केली त्याच्यामध्ये मुंबईतल्या 6 शाळा आहेत, आणि अजूनही शाळांना जर निधी उपलब्ध करून द्यावा लागला तर ती देण्याची सरकारची भूमिका आहे, महानगरपालिकेची भूमिका आहे। आणि CBSEच्या बाबतीतला जो मुद्दा आहे, जिथं आवश्यकता असेल त्या ठिकाणी CBSE स्कूल देखील सुरू करण्यात येईल।